चाय या गर्म पानी। अरे 2 दिन का लेना, कितने दिन का है? सर्दी होता ही रहता है, काम आता रहता है। माल रहे थे राज, सोना चांदी कुछ भी हो सका थे। तो गरम पानी का है, कैसे बना दिखा था सर्दी में गरम पानी एकदम आरसी बुक ले तो फोटो भेजे। ये देख हे प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। आप सब नवरात्रि और दशहरा देखकर आ गए होंगे, मतलब सभी अब नवरात्रि और दशहरा को मिस कर रहे होंगे आई मीन। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बेबी टूक व्लॉग पर। नवरात्रि और दशहरा तो सबने देख लिया होगा, लेकिन हमारी मतलब मेरी व्लॉग्स तो बचे हुए हैं ना, मैंने तो आप सबको शेयर ही नहीं किया, तो मैं धीरे धीरे आप सबको शेयर करने वाली हूँ। नवरात्रि दशहरा जितने भी दिन हमने अपने घर में बिताए थे सबका व्लॉग्स बनाई हुई हूँ, तो धीरे धीरे आप सबको शेयर करूंगी हर रोज़, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। और आज हम जा रहे थे घर, छुट्टी होते ही हम अपने घर को निकल गए थे, और 4 दिन 4 डेज हम अपने घर में रुकने वाले हैं, तो जो कुछ भी होगा वहाँ पर आप सबको शेयर करूंगी, आप सबको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और तो ये घर जा रहे थे उस दिन का व्लॉग है जब फिर से उल्टी आ रही है, उल्टी उल्टी वोमिटिंग वोमिटिंग से लग रही है, बैठ आ नहीं रही है, मत भी आए, आती है तो गला छिल जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और बहुत शाम हो चुकी है और मुझे अजीब लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, इनको ना कुछ काम था तो मैं उतर के सीधे यहाँ पे आ गई तालाब के पास, तालाब को दिखाती हूँ। वहाँ पे दुर्गा स्थापन किए हैं, नव स्थापन किए हैं, इसलिए गाना चल रहा है, आवाज़ें आ रही है वहाँ से। तो भगवान में कैसे घर पहुँचूँगी, भगवान जय माता रानी, मुझे अच्छे से सुरक्षित रखूँगा। हे एवरीवन, एक मिनट। हे फ्रेंड्स, अभी हम घर पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही पहुँचे हैं ना मुझे उल्टी आ गई है, रास्ते भर कंट्रोल करके रखी थी, घर आते ही निकल गई, अच्छा हुआ निकल गया वरना और ख़राब लगता। मुझे सर्दी जुकाम हो ही गई, बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद सर्दी हुई है मुझे, लगभग 1 महीने बाद हुई है। तो हाँ, एक और आज स्पेशल दिन है हमारे लिए, हम सब के लिए, तो वो दिन है हमारी ननंद का बर्थडे है, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, बहुत सारी कमेंट कीजिएगा आप लोग, बहुत सारा अच्छा कमेंट कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, भगवान से प्रेयर कीजिएगा कि खुश रहें, उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो, जो चाहती है वो हो जाए, सारे सपने पूरे हो, सब ख्वाब पूरे हो, और हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, ओके, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। तो आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। और केक कटेगी अभी, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा, आप सबको शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी जाएंगे, मुझे भी बुलाएंगे, क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना उल्टी की हूँ, हाथ पैर धोई हूँ, अब सीधे आके लेटी हुई हूँ यहाँ पे, मुझे चैन ही नहीं आ रहा है, सोऊंगी ना तब भी अच्छा लगेगा, पूरा ये उल्टी करने से ना यहाँ पे छिल गया है, नाक में भी निकल आया था कुछ, तो नाक भी पेन हो रही है, और ऊपर से जुकाम है मुझे, तो बहुत ज़्यादा अजीब, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह ठीक हो जाती हूँ, लेकिन मैं एक उल्टी हुआ फिर सुबह ठीक हो जाऊँगी, पिछले टाइम की तरह ऐसे ही होता है। तो कि आप सब वीडियो को इन तक जरूर देखना, वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स। उठने का तो मन बिल्कुल
कर रहा था लेकिन फिर भी मुझे बुलाया गया तो मैं आ गई यहाँ पर और इनकी केक कटिंग में मैं शामिल हो गई थी। लेकिन सच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा बैन हो जाती है फ्रेंड्स, ऐसे जाती हूँ ना दूर का सफ़र करती हूँ। ऐसा है ना कि तुरंत ही खाना खा के हम निकले थे, अब खाना खा के इतना दूर सफ़र करना मेरे लिए तो नहीं होता है सही, हमेशा वोमिटिंग हो ही जाती है, तो यही हुआ था। और ये कार भी दूसरी थी तो इसलिए हो गई थी उल्टियाँ, और उल्टी हुआ फिर मेरी हालत ख़राब, बिल्कुल भी मैं खड़े होने के हालत में नहीं थी, पूरा बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हूँ एक ही बार में। यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी, इनके लिए ज़रूर विश कीजिएगा, बहुत सारा गुड विशेज दीजिएगा अपना, भी अपनी तरफ से बहुत सारा गुड विशेज देती हूँ, बहुत सारा बहुत अच्छी है तो बहुत कुछ अच्छा हो इनकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो जो ये चाहती है ना, उस सारी मुराद पूरी हो, उनकी सारी इच्छाएँ पूरी हो। और सच में बहुत स्वीट है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ना ऐसे केक कटिंग हो रही थी, बाबू मेरा बेटा यहाँ पे भी, वो तो केक कटिंग में पास ही है, सबसे पहले वही खुश हो जाता है, और केक कटिंग मतलब बर्थडे मेरा ही है लगता है उसको, और बार बार उसको अपने बर्थडे याद आ रही थी, तो हमेशा दिन भर ना बर्थडे बर्थडे की ही बातें कर रहा था। और मेरे बेटे को भी थोड़ा सा ऐसा जुकाम जुकाम सा हो रहा था, ठीक हो जाएगा ऐसे ही होता है उसको, इस माहौल से उस वाले माहौल में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ वाले माहौल में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, खैर हो जाता है, हमको तो आता ही है जैसे जगह पे तैसे होना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग, हम लोग खुशी खुशी यहाँ पे केक कटिंग करे और खाए, और हम सब गए थे घर तो सब लोग खुश हुए, और जिनका बर्थडे था वो भी, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी यहाँ पे 4-5 दिन रुकने वाले हैं, छुट्टियों पर यहीं रुकने वाले हैं, दशहरा देखेंगे, नवरात्रि देखेंगे, जो कुछ होता है सब कुछ देखेंगे, तो आप सबको भी शेयर करेंगे, व्लॉग्स को ज़रूर पूरा देखिएगा आप सभी, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बहुत सारा सपोर्ट करें। वीडियो का कोई सा भी पार्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, BabyTukTuk900 नाम से मेरी आईडी है, तो फॉलो ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें फ्रेंड्स, बहुत सारा मेहनत करती हूँ, बहुत सारा ऑफिस का भी काम देखो, घर का भी काम देखो, अभी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, और मेरे काम मेरे टाइम नहीं दे पाती हूँ आप सबको, आप सब तो समझ ही सकते हैं ना कि मैं व्लॉग्स कंटिन्यू क्यों नहीं आ रहा है, मेरे पहले कैसे आती थी अब क्यों नहीं आ पा रही हूँ, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा कि क्यों नहीं, तो इस बात को समझिए प्लीज़, और मेरे व्लॉग्स को देखा करें, सपोर्ट किया करें, ऐसा नहीं है कि व्लॉग्स नहीं आ रहा है तो इनको भूल ही जाए ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखा करें, पुराने व्लॉग्स भी पड़े हुए हैं चैनल में बहुत सारे, उनको भी आप प्लीज़ देखा करें जो नहीं देखे हैं। और रील्स मतलब YouTube शॉर्ट्स तो जाता ही है, Instagram पे भी आप देख सकते हैं शॉर्ट्स, बीच बीच में मैं डालते जाती हूँ, जब जब मुझे टाइम मिलता है तब तब मैं आप सबसे जुड़े रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, सबकी अपनी अपनी अलग खुशी होती है, तो मुझे तो आप सबको शेयर करके ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है, तो ऐसे ही आप सब मेरी खुशी का कारण बनते रहो, और मुझे बहुत खुशियाँ देते रहो, बहुत सारा सपोर्ट करते रहो। केक कटने के बाद में मैं तो कुछ खाना खाई ही नहीं, थोड़ा सा केक खाई थी और कुछ भी नहीं खा पाई थी फ्रेंड्स, मेरा गला पूरा छिल गया था, नाक भी छिल गया, कुछ खाने पीने की हालत में नहीं थी, सीधी मुझे नींद आ रही थी, काफ़ी नींद आ रही थी, मैं सो गई थी चुपचाप। और नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको मिलूंगी बहुत सारा प्यारा प्यारा व्लॉग्स के साथ में, जरूर आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तो आप सभी प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, आप सबको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, देखिएगा कि मैं अपने घर में आ गई हूँ, 4 डेज यहीं पर रहने वाले हैं, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी हो गई है और हम यहीं पर रहेंगे, और दशहरा सबका ब्लॉग बनेगा, तो आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और इंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, हैप्पी।